हेलो नमस्कार दोस्तों, तो फिर से स्वागत है हमारे चैनल एक्स वाई जेड वीडियो बुकेज में। तो दोस्तों, यूट्यूब पर हर जगह, न्यूज़ चैनलों पर हर जगह पेटीएम का जो बंद होने का खतरा है, अब दोस्तों इतना बना हुआ है कि हर जगह पेटीएम छाया हुआ है, क्योंकि पेटीएम आरबीआई का जो दिशा निर्देश आया है कि इसमें हम पेटीएम को जल्द से जल्द बंद करने वाले हैं, पेटीएम बंद होने वाला है। तो दोस्तों, ये सही है या गलत है, तो इसके बारे में फुल डिटेल में जानकारी करेंगे। वो आरबीआई के जो रूल्स हैं वो क्या कहते हैं, आरबीआई के जो रूल्स हैं वो क्या बोल रहे हैं दोस्तों। तो वीडियो इसी तरह से वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें दोस्तों। तो जो पेटीएम आज के ज़माने में प्रत्येक आदमी के पास 30 करोड़ लोगों से ज़्यादा लोग इसको यूज कर रहे थे दोस्तों, तो क्या उनका भरोसा जो पेटीएम है तोड़ सकता है? क्या जो लोग यूज कर रहे थे उनका क्या होगा? जो पेटीएम पेमेंट बैंक में खाता खोले थे उसका क्या होगा? और दोस्तों, क्या जो सर्विसेज थे इसकी यूज कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते थे दोस्तों? इसके बारे में फुल डिटेल में चर्चा करेंगे, फुल डिटेल में जानकारी करेंगे। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम जितनी वीडियो डालें आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, इसके बारे में आरबीआई क्या करता है, और जो पेटीएम के रूल्स हैं, क्या अपनी जिंदगी मतलब ये वॉलेट है, खाता है, इसको यूज कर सकते हैं, रिचार्ज वगैरह, डीटीएच वगैरह जी आप कर सकते हैं क्या? तो इसके बारे में फुल डिटेल में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो यहाँ पे आ जाना, पेटीएम को ओपन कर लेना। पेटीएम को ओपन करने के बाद, इस तरह से आने के बाद यहाँ पे ऊपर दिखाई देगा, योर पेटीएम ऐप द वर्किंग एंड विल कीप वर्किंग एज यूजुअल बियॉन्ड फरवरी 29, 2024। ठीक है, इसके बारे में जानकारी दिशा निर्देश दिए हैं। तो कब तक ए वर्ग, इसमें स्पष्ट लिखा है कि 29 तारीख तक भी चालू रहेगा और इसके बाद भी चालू रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो क्यों, और मतलब कि हर जगह तो छाया हुआ है कि पेटीएम बंद होगा, तो दोस्तों क्या है इसके बारे में फुल डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पे स्पष्ट लिखा है पेटीएम ने कि पेटीएम जो है 29 तारीख के बाद भी चालू रहेगा। तो यहाँ पे क्या फिर ये लोग झूठ बोल रहे हैं, क्या अफवाह फैला रहे हैं? तो दोस्तों, इसके बारे में फुल डिटेल में जानकारी गए हैं। यहाँ पे लिखा है क्लिक किया, इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, फैक्स रिगार्डिंग रिसेंट आरबीआई प्रेस रिलीज ऑन योर एसोसिएट पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड, यानी आरबीआई ने जो दिशा निर्देश किए हैं पेटीएम पेमेंट बैंक के लिए, तो क्या है इस पर लिखा है पेटीएम पेमेंट बैंक, व्हाट हैपेंस टू माई पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट, क्या पेटीएम पेमेंट बैंक का यूज कर सकते हैं? और दोस्तों, ये कब तक यूज कर सकते हैं? तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ, पहला चरण है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई हैज इशूड ए डायरेक्टिव रिस्ट्रिक्टिव पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट फ्रॉम एक्सेप्टिंग न्यू डिपॉजिट आर अलाउिंग क्रेडिट ट्रांजेक्शन आफ्टर फरवरी 29, 2024। यानी दोस्तों, 29 तारीख तक जो पेटीएम पेमेंट बैंक है, उससे आप ना तो पैसा निकाल सकते हैं और ना ही जमा कर सकते हैं पेटीएम पेमेंट बैंक में। ठीक है दोस्तों, तो स्पष्ट लिखा हुआ, प्लीज़ नोट द यू विल नॉट बी एबल टू डिपॉजिट योर एड मनी टू योर पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट आफ्टर 29 फरवरी, हैवियर देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन विड्रॉवल ऑफ मनी फ्रॉम द एग्जिस्टिंग बैलेंस इवन आफ्टर 29 फरवरी। दोस्तों, स्पष्ट हो गया कि 29 फरवरी तक इसमें आप बैलेंस ना तो, इसमें स्पष्ट हो गया कि 29 तारीख के बाद ना तो आप इसमें बैलेंस ऐड कर सकते हैं ना अकाउंट में, और ना ही इसको आप यूज कर सकते हैं, यानी कि जो पेटीएम बैलेंस वॉलेट में पैसा पड़ा हुआ है वो आप यूज कर सकते हैं। यानी इसमें आगे चल के बताएं किस तरह से यहाँ पे लिखा गया, इसमें स्पष्ट बताया गया है कि 29 फरवरी के बाद आप पेटीएम पेमेंट बैंक है उसको बंद कर दिया जाएगा, पेटीएम पेमेंट बैंक को यूज नहीं कर सकते हैं, और जो उसको पैसा जमा या निकाल नहीं सकते, इसके बारे में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। और यहाँ पे 29 क्रेडिट यानी जमा नहीं कर सकते हैं पैसे। अब यहाँ पे दिख रहा होगा दूसरा ऑप्शन आगे, रिचार्ज एंड बिल पेमेंट्स, तो कैन आई कंटिन्यू टू यूज पेटीएम डू टू रिचार्ज एंड पे माई बिल्स, क्या हम पेटीएम जो बिल रिचार्ज है बिल रिच पेमेंट है इसको हम यूज कर सकते हैं? यस, इस आंसर है इसका यस, एब्सोल्युटली यू कैन
कंटिन्यू यूजिंग पेटीएम ऐप फॉर ऑल योर बिल पेमेंट एंड रिचार्ज लाइक ऑलवेज। यानी दोस्तों आप बिल पेमेंट और रिचार्ज को हमेशा के लिए यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और रिसेंट इशूड पेमेंट पेटीएम कंटिन्यू टू सपोर्ट ए वाइड रेंज ऑफ पेमेंट ऑप्शन योजा। ठीक है दोस्तों, तो आप जो रिचार्ज है और जो बिल पेमेंट है इसको आप यूज कर सकते हैं, स्पष्ट लिखा हुआ है इसमें। अब यहाँ पे वॉलेट, कैन आई कंटिन्यू टू यूज पेटीएम पेमेंट बैंक वॉलेट। तो दोस्तों आप क्या पेटीएम पेमेंट बैंक का यूज कर सकते हैं, तो स्पष्ट लिखा होगा यस, यस यू कैन कंटिन्यू टू यूज पेटीएम पेमेंट बैंक वॉलेट सर्विस। प्लीज नोट दैट यू विल नॉट बी एबल टू एड मनी टू योर पेटीएम पेमेंट बैंक वॉलेट आफ्टर 29 फरवरी 2024 देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ यूजिंग ऑफ एग्जिस्टिंग बैलेंस फ्रॉम योर वॉलेट इवन आफ्टर फरवरी 29, 2024। तो दोस्तों आप पेटीएम वॉलेट, जो पेटीएम वॉलेट है इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों 29 फरवरी के बाद जो पेटीएम वॉलेट का जो पैसा है उसको आप निकाल सकते हैं, इसमें आप ऐड नहीं कर सकते हैं। स्पष्ट लिखा हुआ है दोस्तों, इसमें जो पेटीएम वॉलेट का पैसा है उसको आप यूज कर सकते हैं, जो उसमें पड़ा हुआ है इसमें पड़ा हुआ, इसके बाद आप इसमें डाल नहीं सकते हैं जो पैसा है इसका, जो पेटीएम वॉलेट के बाद 29 तारीख के बाद भी बंद भी हो जाएगा पेटीएम, पेटीएम वॉलेट जो है पेटीएम पेमेंट बैंक बंद हो रहा है, इसमें जो ऐप है वो बंद नहीं होगा। ठीक है, इसमें स्पष्ट बताया गया। और जो वॉलेट है उसको आप, जो उसमें पैसा पड़ा हुआ उसका यूज निकाल सकते हैं इसमें, लेकिन आप जमा नहीं कर सकते, इसका यूज भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी देखा है फर्स्ट स्टेज, व्हाट हैपन टू माई पेटीएम पेमेंट बैंक इशू फास्टैग, क्या फास्टैग का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ इस पर लिखा हुआ है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI हैज इशूड ए डायरेक्टिव रेस्ट्रिक्टिंग पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट वॉलेट फ्रॉम एक्सेप्टिंग न्यू डिपॉजिट और अलाउिंग क्रेडिट ट्रांजेक्शन आफ्टर 29, 2024। यानी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का आदेश आया है, निर्देश दिया है कि जो पेटीएम वॉलेट में जो पैसा पड़ा हुआ उससे आप फास्टैग, तो यानी जो रिचार्ज उसका करते हैं फास्टैग का, यानी गाड़ियों का उसका, तो आप कर सकते हैं, लेकिन इसके उसमें आप पेटीएम वॉलेट में जमा नहीं कर सकते हैं पैसे 29 तारीख के बाद, जितना पड़ा हुआ है उससे आप जो फास्टैग कर सकते हैं उसमें 29 तारीख के बाद भी आप कर सकते हैं, जो उसमें पैसा पड़ा हुआ है पेटीएम वॉलेट में। द फास्टैग इशू बाई पेटीएम पेमेंट बैंक विल कंटिन्यू टू वर्क अनइंटरप्टेड इवन आफ्टर फरवरी 29, 2024 बेसिस द बैलेंस अवेलेबल इन योर लिंक्ड पेटीएम पेमेंट बैंक वॉलेट होवियर यू कैन नॉट ऐड मनी टू योर वॉलेट आफ्टर 29 तारीख। स्पष्ट बता दिया इसमें कि 29 तारीख के बाद आप वॉलेट में पैसा ऐड नहीं कर सकते, जो इसमें पड़ा हुआ है उसका यूज आप आसानी से कर सकते। वह जानकारी करना चाहते तो क्लिक में हेयर पर क्लिक कर सकते। अब लिखा हुआ अदर सर्विसेज, कैन आई कंटिन्यू टू एबल योर अदर सर्विसेज ऑन पेटीएम ऐप, मोबी जैसे कि मान लें इत्यादि, मोबी टिकट बुकिंग्स फाइनेंशियल सर्विसेज एंड अलग्स। ठीक है मोर, तो दोस्तों क्या इनको आप यूज कर सकते हैं, क्या अदर सर्विसेज हैं जो पेटीएम हो गया, जैसे मोबी टिकट बुकिंग हो गया, फाइनेंस सर्विस वगैरह हो गया, इसको आप यूज कर सकते हैं क्या। तो स्पष्ट में बताया गया है, ऑल अदर सर्विसेज ऑन पेटीएम ऐप आर अनफेक्टेड, यू कैन कंटिन्यू टू यूज थेम ऑन पेटीएम एज यूजल नाउ एंड बियॉन्ड ऑफ 29 फरवरी। तो दोस्तों स्पष्ट बता दिया गया 29 तारीख के बाद आप पेटीएम पेमेंट बैंक हमेशा के लिए बंद होने वाला है, लगभग लगभग इसका जो निर्देश आया है, और इसमें जो सर्विसेज हैं उसको आप यूज कर सकते हैं, उस सर्विसेज कोई बंद नहीं होगी, और 29 तारीख के बाद जो पेटीएम वॉलेट है
पेटीएम की तरफ से, पेटीएम पेमेंट बैंक की तरफ से वॉलेट है, उसको हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा अभी। लेकिन जो पेटीएम वॉलेट में जो पैसा पड़ा हुआ है उसका आप यूज कर सकते हैं, उस कहीं भी यूज कर सकते हैं किसी भी सर्विस में, लेकिन पेटीएम वॉलेट में पैसा ऐड नहीं कर सकते। इसी तरह से पेटीएम पेमेंट बैंक है, पेटीएम पेमेंट बैंक का जो पैसा पड़ा हुआ है अभी अभी निकाल लें, इसके बाद आप 29 तारीख के बाद इसमें आप पैसा नहीं डाल सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप सही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें ताकि हम जितने वीडियो डालें आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे, और आप इसको आसानी से यहां पे जाके पेटीएम वॉलेट में इस तरह से आप इसका नोटिफिकेशन देख सकते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट लेके भी और वहां पे गूगल पर इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं और आसानी से हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम जितने वीडियो डाल रहे हैं आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे।